बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चेयरमैन साहब, असातिज़ाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपसे गुफ्तगू का ये शर्फ हासिल हो रहा है। मैं अदारे का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दिल की तमाम पर गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये इज़्ज़त बख्शी, यकीनन जिसका मैं मुस्तहिक तो नहीं था। ये आपकी ज़रा नवाजी है, आपका करम है कि मुझे नाचीज को आपने इस काबिल समझा कि आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो। आज मेरी यहाँ मौजूदगी, मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बम्बई से आकर मुझे पकड़ लाए हज़रत शेख साहब का भी, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दरअसल मैं भी एजुकेशन से ही मुतालिक था, पढ़ता और पढ़ाता था और सुख और चैन की जिंदगी गुजार रहा था। बम्बई की यूनिवर्सिटी से एमकॉम, तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब सब्जेक्ट रहे। उस जमाने में, जमाना बीत गया, कॉमर्स की कॉलेजेस भी नहीं थी बम्बई में, तो सिर्फ दो ही कॉलेज थी, आज मालूम नहीं कितनी हो गई हैं। कॉमर्स में एक वो सिडनम कॉलेज थी और दूसरा पोडार कॉलेज थी। मैं सिडनम कॉलेज से पढ़ा, एसएससी भी जो किया तो वो भी एसएससी कॉमर्स से, वोकेशनल उससे। लिहाजा जब साइंस के प्रोफेसर आए तो मैंने कहा कि साहब बख्शो, कभी किसी वक्त साइंस मेरे सब्जेक्ट में स्कूल में भी नहीं था, कॉलेज में भी नहीं था। हालांकि ये कमी बड़ी शिद्दत से अक्सर औकात महसूस होती है कि वोकेशनल करियर में ये एक प्रॉब्लम अनबैलेंसिंग का रहता है, बहरसूरत वो अलग बात है। और फिर उस ज़माने में वो बी फिल और एम फिल और ये सब चीज़ें नहीं थी। बी एड किया, यूनिवर्सिटी की गलतियों से फर्स्ट क्लास में आता रहा, उनकी गलतियों से मेरिटोरियस स्कॉलर। और दरअसल मेरिट स्कॉलर होने के नाते में अपनी, कि जो वहां से मेरिट स्कॉलरशिप मिलती थी उस वजह से तालीम भी कुछ मुकम्मल कर पाया। और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वगैरह ये सब्जेक्ट रहा, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, लेकिन आंख खुली तो अपने आप को सियासत में पाया। मैं उसके तफसील में तो जाना नहीं चाहता, तो मैं अपने आप को बिल्कुल एट होम महसूस करता हूं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर कि जिंदगी का एक हिस्सा तो यहां गुजरा, फिर गलती रही या मालूम नहीं क्या, कुछ मामलात ऐसे बने कि एक ज़माने से कि अब तो एम कॉम में क्या पढ़ा था शायद वो याद भी ना हो। और अगर कोई और आज इम्तिहान लेने बैठे तो यकीनन फेल हो जाऊं, क्योंकि उस वक्त तो कॉमर्स की किताबें भी नहीं थी। अब तो माशाल्लाह, अब कैसे कैसे सब्जेक्ट थे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये वो, उसमें किताबें नहीं थी, फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह किताबें भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मवाद यहां वहां से इकट्ठा करना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह, यहां पर कॉलेज की एक्टिविटीज को मालूम करके बेहद खुशी हुई, मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। चेयरमैन साहब, बेहद मुबारकबाद हो, फख्र होता है ऐसी शख्सियतों पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करते हैं
कि तमाम तर परेशानियों के बावजूद आज ऐसी शमय रोशन हैं, ऐसी शख्सियतें मैसर हैं कि जिनको देखकर यह महसूस होता है कि इंशाअल्लाह मिल्लत का मुकद्दर शानदार रहेगा, इंशाअल्लाह और उसमें कमी नहीं आने पाएगी। यहां आपने तो बड़ा काम किया है, अभी मुझे बताया गया कि सिलेबस तक आपने अरबिक के फॉर्म किया। अब कितने नकात हैं कि जो चेयरमैन साहब ने अपने तकरीर के अंदर बयान कर दिए, लेकिन मैं उनमें जाना नहीं चाहता क्योंकि उसमें इख्तिसार करने में बहुत सारे शक और शुबे रह जाते हैं फिर। लेकिन चंद एक बातें अर्ज करूं। आपने यहां पर आज इफ्तिताह किया ये एम्प्लॉयमेंट सेल का, करियर एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट इसके सेल का एक बड़ा काम है कि जो अंजाम दिया जा रहा है। पहले तो नाम ही सर सैयद अहमद, अब उस तहरीक के बारे में मैं कहना नहीं चाहता कि वो कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा और प्रोफेसर से गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने कहा कि जो मुस्लिम लीग है ये तो आप ही की अमानत है कि आपके सुपुर्द करने के लिए आया हुआ हूं। जो हिस्ट्री है कि जो पहले तो एक दौर आया उसके बाद दूसरा दौर आया वगैरह, उसमें भी जाने की गुंजाइश और वक्त नहीं इसका। तो ये अजीम नाम उसकी भी बरकतें हैं आपके साथ में और आप ये कामों को अंजाम दे रहे हैं। इन कामों पर आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। यहां आकर आप समझते हैं कि मैं इंस्पायर करूं, चेयरमैन साहब यहां आकर मैंने इंस्पिरेशन आपसे हासिल किया है कि हिंदुस्तान भर और हिंदुस्तान से बाहर भी बराबर सफर लगा रहता है, मुख्तलिफ अदारों तक पहुंचता हूं। इंशाअल्लाह यहां की बातें वहां पर भी होती रहेंगी कि किस अंदाज में तामीरी अंदाज के अंदर आगे बढ़ना है। आपने कितनी ही बातें की, अब ये तो एक इनॉग्रेशन जो आज हुआ है एम्प्लॉयमेंट एंड ये प्लेसमेंट वगैरह के सिलसिले के अंदर, वादे हमें बहुत हुए। अभी मैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कर रहा था और उसी वजह से यहां आने में कुछ ताखीर भी हुई, जिसके लिए माजरत चाहता हूं। वहां पर भी 15 पॉइंट प्रोग्राम के ताल्लुक से बात हो रही थी, 15 पॉइंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द माइनॉरिटीज, फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज, प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम है। लेकिन हर एक जानता है कि उस प्रोग्राम पर कोई अमल जैसी, ठोस अमल जैसी कोई चीज हमारे सामने नहीं आ रही है। अब ये प्लेसमेंट के ताल्लुक से मुझे याद आ रहा है, 15 पॉइंट प्रोग्राम का एक नुक्ता ये भी है, कितनी चीजें उसको छोड़ो, एक बात को ले रहा हूं कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं उनको खुसूसी हिदायत है कि माइनॉरिटी एरियाज जो हैं, अकलियती इलाके जो हैं, अकलियत का कंसंट्रेशन जहां है, उन इलाकों में मोबाइल एक्सचेंज का इंतजाम करें, मोबाइल गाड़ियां पहुंचे उनकी, मोबाइल कैंपेन हो और वहां पर माइनॉरिटीज के भी और दूसरे भी उनका रजिस्ट्रेशन आए और खास तौर पर माइनॉरिटीज के प्लेसमेंट का हो। पार्लियामेंट में जब मैंने मालूम किया और अभी भी जो रिव्यू गवर्नमेंट की कमेटी की तरफ से हुआ उससे भी जो जाहिर हुआ है, मालूम हुआ है कि हिंदुस्तान के किसी हिस्से में किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने ये मोबाइल एक्सचेंज के सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं दी, कोई तवज्जो। बारहा याद दिलाने के बावजूद हमें पहुंचना होगा। आपने प्लेसमेंट के लिए ये सेल बनाया है, माशाल्लाह नीचे कितने बोर्ड के ऊपर कितनी इंफॉर्मेशन रखी है कि कहां कहां मवाके हैं,
ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी, ये मालूमात भी ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ मौाक़े हैं ताकि लोग वहाँ पर बराबर पहुँच सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन साथ साथ ये भी हम मालूमात हासिल करें कि आखिर हमारे पास और कितने वादे हैं और कितने गवर्नमेंट के फैसले हैं, उन पर इस प्लेसमेंट और एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में क्या किस्म की वो कार्रवाई हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के वफद ले जाकर जो कोई भी यहाँ ओहदेदार हो मकामी तौर पर उसे मिले और उससे कहें कि ये चीज़ों का एक इंतजाम किए जाएं कि प्लेसमेंट और माइनॉरिटी के प्लेसमेंट के लिए खसूसी तौर पर कदम किए जाएं। पार्लियामेंट में भी मैं पूछता रहा और मुख्तलिफ जगहों पर कि बताओ कितने माइनॉरिटीज़ के तुमने प्लेसमेंट के लिए फॉरवर्ड किए और उसमें से कितने मंजूर हुए, क्या हुआ। सारे पर मामला अब हमें प्रेशर बनाते हुए ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव तौर पर इस मैदान के अंदर भी आगे बढ़ना होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक इरादे नेक नियति के साथ आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह कामयाबी इसके अंदर अता फरमाएगा। ख़ास तौर पर इकोनॉमिक और माशी बात का जिक्र कर रहे थे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गरीबी से बचो। ये नहीं कि अमीर या, लेकिन ये फ़क्र गरीब जहां तक कि हो सकता है गरीबी से बचो, इसलिए कि गरीबी तो ऐसी है कि बेहद मजबूर जब आदमी हो जाता है तो उसकी गरीबी ईमान को भी खा जाती है, ईमान को खा जाती है कि बेचारा मजबूर होकर मालूम नहीं ईमान के खिलाफ क्या क्या काम के करने पर मजबूर हो जाता है। ये रास्ता बताया गया, मुबारक है वो कि जो इस रास्ते पर भी आगे बढ़ रहे हैं। असरी तालीम का जिक्र किया है इन्होंने और ये बताया है कि अरबी की भी तालीम के लिए यहां पर क्या कोशिशें हो रही हैं। बट इट इज एन अस्टाउंडिंग फैक्ट ऑफ हिस्ट्री, एन अस्टाउंडिंग फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। और आप मेरे से ज्यादा जानते हैं इंटेलेक्चुअल्स के जो बैठे हुए हैं कि क्या है ये अस्टाउंडिंग फैक्ट ऑफ हिस्ट्री, कि जब तक रिलीजियस एजुकेशन और ये सेक्युलर जिसे कहते हैं आज ये वर्ल्डली एजुकेशन, ये दोनों साथ साथ चलते रहे, मुसलमान टॉप पर रहे 1000 साल, टू बी एग्जैक्ट 800 ईयर्स ऐसे थे, 800 ईयर्स ऐसे थे कि जहां रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ असरी एजुकेशन के ऊपर भी तवज्जो दी जाती थी। और नतीजा ये कि अरबी जबान वॉज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ नॉलेज। यू नो इट बेटर कि अरबी जबान के नॉलेज इख्तियार करना है तो अरबी पढ़ो, तो गैर मुस्लिम यूरोप के लोगों को भी अंग्रेजी पढ़नी पड़ती थी ताकि अरबी पढ़नी पड़ती थी ताकि इल्म तक रसाई हो सके, कि सारा इल्म जो था वो अरबी में। ये स्पेन की यूनिवर्सिटी तारीख कहती है और आप जानते हैं उसको अच्छी तरह से कि खुद इन्होंने माना है कि यूरोप की रेनेसांस आया, जो एजुकेशनल रेनेसांस यूरोप में, और यूरोप में जो तालीम की रोशनी फैली उसका सबब स्पेन में यूनिवर्सिटी थी, स्पेन के दारुल उलूम थे। वहां आते थे, आपके सामने दोजानों होते थे और आपसे नॉलेज लेकर जाते थे। स्पेन की जो तबाही हुई उस पर जितना भी आंसू बहाया जाए कम है, उस तारीख में मैं नहीं जाता अभी, लेकिन वो लेकर ये स्पेन ये यूरोप आगे बढ़ा और आगे बढ़ता रहा, हमें हमारे से नॉलेज ली और आज हम भी उसी के दस्तनगर होकर रह गए हैं, दस्तनगर होकर रह गए हैं। क्या दुख होता है आज कि एक तो नॉलेज कि अरबिक वॉज द लैंग इंटरनेशनल लिंगवा फ्रैंका बनी हुई थी, कि पढ़ना है सीखना है नॉलेज हासिल करना है तो अरबी के बगैर काम नहीं हो सकता है। वो जमाना था और आज ये जमाना है कि जिन्होंने हमसे लिया नॉलेज, चाहे वो मेडिकल लाइन तिब की क्यों ना हो, चाहे वो साइंस में कितने हों, अब मैं कितने साइंटिस्टों के नाम बयान करना शुरू करूंगी यहां जरूरत नहीं है,
इसलिए कि यहां तो वो जमा हैं अल्लाह के फजल व करम से जो जमीन में द सॉल्ट ऑफ द अर्थ जिसे कहा जाता है हजरत ईसा अलैहि सलाम की जबान में द सॉल्ट ऑफ द अर्थ जमीन का नमक है वो यहां पर जमा हुआ है। और मेरी ये खुशकिस्मती कि उनसे गुफ्तगू करने का ये हक ये शर्फ हासिल हो रहा है कि वो नॉलेज हमसे और आज हम उनके दस्ते नगर हैं वहां दौड़े जा रहे हैं। एस्टाउंडिंग फैक्ट ऑफ हिस्ट्री कि जब तक के रिलीजियस नॉलेज और असरी नॉलेज जिसे ये वर्ल्डली या सेक्यूलर या जो कुछ भी आप कहते हैं ये जब तक के साथ चलती रही बड़े से बड़ा साइंसदान हमारे में बड़े से बड़ा तिब में हमारे में इब्ने सीना वगैरह कितने नाम में पेश करता चला जाऊं यहां पर। लेकिन आज मालूम नहीं कैसे मालूम नहीं कब हिस्ट्री में ऐसा भी वक्त आ गया कि जब हमने दूई इख्तियार कर ली इसमें रिलीजियस एजुकेशन अलग। अब रिलीजियस एजुकेशन तो असरी एजुकेशन पर तवज्जो नहीं और असरी एजुकेशन पर तवज्जो नहीं है तो गिरते गिरते वो हालत हो गई है कि आज 82 ईयर्स बराबर में कहूं 82 ईयर्स से हम में से कोई काबिल कदर काम किसी भी जिंदगी के शोबे में इंटरनेशनल लेवल पर अंजाम नहीं पाया है। नो बताइए साइंस है तिब है फॉर द पास 82 ईयर्स तो कुछ नहीं थोड़ा बहुत उससे पहले और इससे पहले 800 साल की जिस 800 साल की मैं बात कर रहा था उस वक्त तो बड़े बड़े साइंसदान एजुकेशनिस्ट और बड़े बड़े मेडिकल और ये तमाम चीज़ें जितने भी समाजियात के शोबे माहौलियात के शोबे होते हैं उन तमाम के अंदर आप ही आप थे हर तरफ छाए हुए। और स्पेन तो खैर तौर पर वो नाम ले गया तारीख के अंदर कि जिसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जब ये असरी तालीम अलग कर दी गई इस पर तवज्जो नहीं हुई तो तमाम तर परेशानियाँ आईं। मुबारक हो कि इस शॉर्टकमिंग को आप पूरा कर रहे हैं लेकिन इस तरह पूरा करें कि अब हम में वो पैदा हों यकीनी तौर पर कि जो दर्जे कमाल तक पहुँचे नोबेल लॉरेट वगैरह की ये जो इनामात हैं अदरा देखो पिछले 80 ईयर्स में आपको कोई नाम हमारे में से नहीं मिलने वाला है। आज ये आलम है और इसके लिए हमको कोशिश करनी होगी। असातज़ाए कराम का इसमें बड़ा हिस्सा है कि हमारे स्टूडेंट्स की अंदरूनी सलाहियतों को इस तरह बेदार करें कि वो आगे बढ़ें इस अंदाज में कि दर्जे कमालियत हासिल करने और दुनिया पर छाने के लिए है। नॉलेज से तो इज्जत होती है इल्म ही से तो इज्जत है जहालत लेकिन इस लफ्ज जहालत के कई मानों के साथ में आता है तो खैर मैं उसकी तफसीर में मैं न जाऊं। ये तमाम बातें हैं आज हमारे यहां भी बल्कि तो इतनी हाल खराब रहा कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है तो उसके अंदर तो एजुकेशन के तौर पर हमारी जिस कद जितनी तबाही और बर्बादी और जिस गिरावट और जिस इनतात का जिक्र उसके अंदर है कि आंखों में आंसू आए बगैर नहीं रह सकते। उन चैप्टर्स को आप पढ़ें हालांकि कोई नई बात नहीं हम पहले कहते थे लेकिन इन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में जो पेश किया जा रहा है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम ड्रॉप आउट जिसे कहते हैं ड्रॉप आउट हमारे स्टूडेंट्स का बड़ी तादाद के अंदर लड़कियों में भी ड्रॉप आउट है लड़कों में भी ड्रॉप आउट है। यह नहीं कहा जा सकता कि तालीम की ख्वाहिश नहीं है। सचर कमेटी ने जिस तरह पेश किया इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है प्राइमरी या सेकेंडरी भी लेवल के ये तो आपका बुनियादी लेवल है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आते हैं लेवल के ऊपर दाखिल हुए लेकिन जैसे जैसे यू गो हायर अप ड्रॉप आउट्स बढ़ता जाता है। वो तमाम आदाद और शुमार देकर मैं आपका वक्त लेना नहीं चाहता। इल्जाम लगाया गया हम पर
कि मुसलमानों में ही तालीम की तवज्जो नहीं है, मुसलमान और तालीम पर तवज्जो न दे ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि मुझे कहने दीजिए कि वो मजहब जिस जो सबसे ज्यादा इल्म के ऊपर वो जोर देता है वो इस्लाम है। पहली वही आई तो इकरा, लेकिन आगे एक बात और कह देने की मैं इजाजत चाहता हूं। सिर्फ इकरा पर मत रुक जाना, हम लोगों का ताल्लुक मेरा भी पहले आपका एजुकेशन से है, इकरा पर ही मत रुक जाना, वरना जो चीज़ हासिल करनी है सिर्फ इकरा से हासिल नहीं होगी। पढ़, सिर्फ इससे हासिल नहीं होगी। कैसे पढ़ा, कैसे पढ़ा? इकरा बे इस्म रब्बिकल लज़ी, कि अल्लाह का नाम लेते हुए पढ़ो, पढ़ो अल्लाह को याद रखो, अल्लाह को याद रखते हुए जो इल्म हासिल करोगे वो इंसानियत के लिए नफा का इल्म होगा, वो इंसानियत के लिए भलाई का इल्म होगा, खुद गर्जी का इल्म नहीं होगा, अपने लिए दूसरों पर जुल्म करने का और अपने लिए दूसरों पर तबाही लाने का इल्म नहीं होगा। अल्लाह याद रहेगा इल्म के दौरान, या आप कंप्यूटर भी लें, आप साइंस भी लें, अल्लाह याद रहेगा, और यह याद रहेगा कि यू आर अकाउंटेबल टू अल्लाह। तब फिर जो इल्म हासिल करोगे वो इल्म भलाई का होगा सबके लिए, वो इल्म भलाई का होगा। तो इल्म के दौरान के इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह याद रहे, दैट यू आर अकाउंटेबल टू अल्लाह। वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि इस दिन के ऊपर तो हमारा ईमान है कि यह दिन तो आने वाला है, तो हमारा जो नॉलेज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इन द नेम ऑफ अल्लाह, रिमेंबरिंग अल्लाह, रिमेंबरिंग दैट यू आर अकाउंटेबल टू अल्लाह, दैट इज द वे टू प्रोसीड एज फार एज द एजुकेशन इज कंसर्न। तो मैं तो इसी के ऊपर तवज्जो कह रहा हूं कि हां असरी तालीम पर तवज्जो दो। दुआ मांगते हैं, रब्बना आतेना फिर दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम, सिर्फ जन्नत ही नहीं मांगी, सिर्फ दूसरी जिंदगी में क्या होने वाला है वही नहीं मांगा, फिर दुनिया हसनत। इस्लाम वो मजहब नहीं कि जो आप गारों में और कोहों में चले जाएं, बल्कि इस्लाम दुनिया के अंदर भी हसना हसन खूबसूरती, दुनिया का भी, दुनिया भी लो, और मैं तो बल्कि ये भी कह दूं, कोई मुझे माफ करे तो, कि शायद आखिरत की दुआ बाद में हुई और दुनिया पहले याद आई, फिर दुनिया हसनत हूँ फिर आखिरत हसनत हूँ, कि दोनों साथ में, दीन भी और दुनिया भी दोनों साथ में हो, जिसका जिक्र किया था डॉक्टर साहब ने, तब जाकर मामला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ी नेक नियति के साथ में, बड़े जोश बड़े जज्बे के साथ में आज यहाँ पहुंचकर मुझे बेहद खुशी हुई है, यहाँ के अचीवमेंट्स देखते हुए मुझे बेहद खुशी हुई है, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने यहाँ पर लाए, ये एक इंस्पिरेशन है, ये मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस, ये मेरे लिए लर्निंग प्रोसेस है, कि जिसे मैं दूसरी जगहों पर जाऊं, कैम्ब्रिज में गया, हाउस सियासत देखो तो हाउस ऑफ कॉमन्स, उसकी भी कमिटी रूम्स के अंदर पार्लियामेंट मेंबर्स को भी, ब्रिटिश के पार्लियामेंट मेंबर्स को भी खिताब करने के शर्फ मुझे हासिल हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी, लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी भी, क्या जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, क्या काम है उन लोगों के और किस तरह से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इन सब को अमेरिका की तरफ ज्यादा जाना नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, दो चार जगहों पर गए, वो बात अलग है, लेकिन अल्लाह ने खुराफात से बचाए रखा कि कहां वहां जा रहे हो, बल्कि उनको सिखाओ सिविलाइजेशन आ, सच तो आपके पास है, वहां तो ह्यूमन राइट्स की पामाली है कदम कदम पर, लेकिन मैं कहां भटक रहा हूं, फिर सियासत आ रही है बीच में, क्या किया जाए। यहां पर मुस्लिम लीग का भी जिक्र हुआ, लेकिन अब
और ये तमाम चीज़ें कि मैं मेरी बीवी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ये भी एम ए बम्बई से भी, एम ए लंदन से भी और पीएचडी थी और बम्बई में यूनिवर्सिटी में वीमेंस यूनिवर्सिटी में, वीमेंस यूनिवर्सिटी वहां पर, हाँ एसएनडीटी वीमेंस यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड थी, हेड ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश डिपार्टमेंट के, मैं भी इंग्लिश बोलूं तो मुझे खबर होती थी कि खबरदार ग्रामर गलत है। तो बल्कि कितना वक्त हमारा उर्दू के बजाय अंग्रेजी में भी गपशप लगाने में जाता था। तो मतलब ये कि पूरा माहौल जो रहा एजुकेशन का रहा माहौल अल्हम्दुलिल्लाह आज। लेकिन उसके बाद ये सियासत, ये मुस्लिम लीग का जिक्र हुआ यहाँ पर, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कायद मिल्लत जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब मरहूम, ही वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट, हम तो सब उनके जानुए अदब तय करके उन सब के पास से सीखे हैं, उलमाए कराम के पास जानुए अदब तय किया, पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूँ, वहाँ मैंने जानुए अदब तय किया। उर्दू मैंने स्कूल कॉलेज में उर्दू नहीं पढ़ी है, मैं तो इंग्लिश और फ्रेंच ये मिशनरी स्कूल से, लेकिन बाद में चूंकि वो फसादात आ गए और फिर उस फसादात की वजह से उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक नहीं पहुंचना पड़ता था, फिर अपने अदारों में आना पड़ा, तो वहां से उर्दू अखीर में कुछ मिली। और घर का माहौल जो उर्दू का था, हमारे यहाँ घर का माहौल बहुत अच्छा, उस पर बड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि हम सब भाई जब बैठते थे रात को देर तक के, अदब पर गुफ्तगू हो रही है, साइंस के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, नफ्सियात पर गुफ्तगू हो रही है, और किसी ने कुछ कहा ये सही नहीं है, निकालो किताब, वो लाइब्रेरियन मैं था घर का, किताब निकलती थी खोला जाता था, बहस होती थी रातों को देर तक के, सारे भाई हम बैठते थे और बातें, वो माहौल था। आज घरों में इस माहौल को पैदा करने की जरूरत है, इस माहौल को पैदा कि उस तरफ शौक हो। और क्या जमाना भी था वो भी, अरे मुशायरों में जाओ तो कौन कैसे कैसे आकर बैठते थे, सदारत कर रहे हैं तो डॉक्टर अब्दुल हक बाबा उर्दू है, खैर वो बातें जिगर मुरादाबादी बोल रहे हैं, हाँ ये जोश मलिहाबादी बोल रहे हैं, क्या कितने जबरदस्त नाम में कहां तक, और एक से एक बढ़कर जो आता था सामने, बहरसूरत में कहां से कहां भटक रहा हूं, लेकिन सोचा कि साइंस वाले को प्रोफेसर को अगर मैंने मायूस किया कि मुझे कुछ नहीं आता तो आर्ट्स को तो कुछ कह दूं कि थोड़ा बहुत आता है। तो खैर ये तमामतर, अब मुस्लिम लीग एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा उसकी तफसीर में जाने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि मजमून भी रख दिया और वार्निंग भी दे दी कि तफसीर में मत जाना, तो फिर क्या करें, यह जवाबंदी बड़ी मुश्किल हो जाती है। पार्लियामेंट के अंदर भी बड़ा मसला होता है, खड़े होते हैं तो स्पीकर कहता है यू आर अलाउड 7 मिनट्स, अरे 7 मिनट्स तो जब तक के आखिर जब प्लेन निकलता है तो टेक ऑफ यूं ही तो नहीं हो जाता ना, वो जरा दौड़ता है, ऊपर चलता है, फिर वो लैंड करता है, कुछ तो करने दो। तो यहां पर भी मालूम होता है कि लोकसभा के बेहतरीन स्पीकर आपके डॉक्टर साहब बन जाएं। तो खैर अब 35 बरस मैंने उनके साथ भी निकाले, तो मैं मुस्लिम लीग की बात को सिर्फ इतने पर खत्म कर दूं कि आज मुस्लिम सियासत महज रद्द अमल की नौयत रखती है, बस रद्द अमल, कोई मुस्तकिल बात नहीं है। रद्द अमल आप जानते हैं, ये दरिया की मौजें हैं, झाग आई हट गई, पानी है बुलबुला हुआ, ये हवा वगैरह चलती है खत्म हो गया, आर्जी है। तो इस आर्जी रद्द अमल की नौयत के ऊपर मुस्तकिल जो हमारे मसाइल हैं वो हल नहीं हो पाते,
मुस्तकिल तौर पर तो हल करने के लिए, ये कि रद्द अमल ना हो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई बात होती है, कोई वाकया रूनुमा होता है तो ज़रूर उसका एक रद्द अमल होता है, लेकिन ये समझना कि महज आर्जी रद्द अमल के ही जरिए सारे मुस्तकिल तौर पर जो हमारे मसाइल हैं, तालीमी मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, ये तमाम हल हो जाएंगे, ये ऐसे, या सियासी मसाइल हैं, या हमारी आइडेंटिटी और शनाख्त के जो मसाइल हैं, और रोज़ाना हमारी मजहबी शनाख्त, हमारी कल्चरल शनाख्त को जो मिटाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, जो ये मुस्तकिल हमारे मसाइल हैं, ये आर्जी रद्द अमल कभी कभी होता रहे और उसके बाद आदमी घर जाकर सो जाए, इससे हल नहीं होता। मुस्तकिल सियासी दबाव रहे, एक ग्रुप रहे मुस्तकिल, पार्लियामेंटों में भी, असेंबलियों में भी। जब आप दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, फिर मुस्लिम लीडरशिप मत कहिए, वहां तो आप उस पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, उस पार्टी का जो प्रोग्राम है, उस पार्टी का जो लीडर है, आप उसके ताबेदार बन जाते हैं। ताबेदार न करो, आओ साझेदार बन जाओ। आज तक ताबेदार रहे, मसले आते रहे। महाराष्ट्र असेंबली के अंदर जिसका जिक्र आपने किया, स्टेरिलाइजेशन के कानून का और इसका, हम बच गए जिनसे, लेकिन वो भी आया, और भी थे, सब अपनी अपनी पार्टी के थे, उनके ताबेदार थे। कहा बनात वाला, हम तो कुछ नहीं बोल सकते, आप ही बोलो। अब अकेला एक शख्स अल्हम्दुलिल्लाह वो बात और वो कामयाबी नसीब हुई कि कानून नाफिज ना हो सका। वो दलाइल हुए, वो बातें हुई, लेकिन खैर मैं उसकी और आगे चलकर पार्लियामेंट के अंदर भी क्या किया मैं उसके उसमें। तो एक मुसलसल तौर पर ताबेदारी नहीं, साझेदारी के लिए आगे आए, और इस मुस्तकिल दबाव लेकर कि अपना एजेंडा भी अगर है साथ में, तो एजेंडा के साथ उसकी पुश्त पर एक दबाव होना चाहिए। उसके बगैर एजेंडा को कौन मानने वाला है? ये मुझे बताओ कि दुनिया ने कमजोर के साथ कब इंसाफ किया था जो आज इंसाफ करेगी? तारीख के बाबाए आदम हेरोडोटस को बुलाओ कि वो हेरोडोटस इस दुनिया के चक्कर काटे और अपनी तारीख में से बताए कि कमजोर के साथ इस्लामी अहद को छोड़कर कब इंसाफ हुआ है जो आज इंसाफ होगा, जमाना सिर्फ एक ही जबान जानता है और वह ताकत और कुव्वत की जबान है। मेरा मतलब ताकत और कुव्वत से तो गोले बारूद की बात नहीं है, यहां जमहूरियत है तो मेरा मतलब जमहूरी ताकत और जमहूरी कुव्वत से है कि अगर ये ताकत है तो समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे, इकबाल ने कहा है। और अगर ये ताकत, ये सियासी ताकत बाजुओं में नहीं है, दूसरों के ताबेदार ही हो, ये मुसलसल तंजीम के जरिए एक दबाव बनाए रखना, अपना एजेंडा अपनी ताकत के साथ लेकर चलना और ताबेदारी के बजाय साझेदारी में दाखिल होना, ये पोजीशन हुई तो समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे, फिर तो बोलना भी नहीं पड़ेगा और आंखों के इशारे। तो आज हमको निजात अगर पानी है तो इस बात से पानी है कि सियासी तौर पर ये सिर्फ रद्द अमल की सरगर्मी की नौयत, हमारी सरगर्मियों की नौयत महज रद्द अमल की नौयत ना हो, बल्कि मुस्तकिल एक तंजीम के जरिए मुस्तकिल सियासी दबाव, ताबेदारी के बजाय सही मानों में साझेदारी। अरे कैबिनेट में भी अगर तुम हो तो अपना एजेंडा कहां से ला सकोगे? तुम्हें तो अपनी पार्टी के एजेंडे पर ही चलना पड़ेगा, पार्टी की मसलहतों पर ही चलना पड़ेगा। पार्टी को तो अक्सरियती वोट की भी फिक्र है, जहां अकलियती वोट की तो वहां अक्सरियती वोट तो बड़ा ज्यादा है ना, उसकी फिक्र ज्यादा है। कितनी मौके पर आपके मामले को कुर्बान कर दिया जाता है सियासत की मसलहतों पर, इन चीजों को भी सोच गौर करके। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग जो कहती है वो सिर्फ जज्बाती बात नहीं,
ये कोई और हैं कि किसी ने आया तो नारा दिया आराम हराम है, सारे हिंदुस्तान का आराम हराम हो गया। वो गए, दूसरे आए, लाल बहादुर शास्त्री आए, पंडित नेहरू गए, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, जवान की जवानी पर किसान के खेत के ऊपर रहम आता है। और किसान के खेत के बारे में अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, 8 प्रोफेसर के लिए छोड़ देता हूं क्या? लेकिन लेकिन ये गए, कोई और आया, सॉरी गलती हो गई, बोलते बोलते जबान जरा आया नहीं, एक और आई, गरीबी हटाओ। ओहो क्या अच्छा नारा है ना, गरीबी हटाओ। अरे इतनी हटी कि गरीब खड़ा हो गया कि माई मेरे को मेरी पुरानी गरीबी वापस कर दो, माई मेरे को मेरी पुरानी गरीबी। हमारे पास नारे कहाँ है डॉक्टर साहब? अगर कोई नारा है तो ले देकर यही नारा है कि नारा तकबीर अल्लाह अकबर। और ये नारा क्या है, ये तो एक अल्लाह बड़ा है, गॉड इज ग्रेट, इसको हर एक मानेगा, मुसलमान होगा या गैर मुस्लिम होगा, सब मानेगा कि गॉड इज ग्रेट, हमारे पास तो एक ही नारा। लेकिन हाँ ठोस बातें मुस्लिम लीग नारों पर नहीं ले चलती, वो कहती है कि देखो रद्द अमल की सरगर्मियों पर, सियासी सरगर्मियों पर नौयत न हो, ये पैगाम दिया जाए हमारे स्टूडेंट्स को कि जाओ और पूरे एतमाद के साथ सोसाइटी को देखो। एक बड़ा मुसव्विर था, उसने एक पेंटिंग तैयार की और पेंट करके पोर्ट्रेट बोलेंगे या जो कुछ भी बोलेंगे गैलरी में लगा दी, फखर था, नीचे लिख दिया जिसको इस पेंटिंग के अंदर जो स्ट्रोक गलत मालूम होता हो वो उस स्ट्रोक के ऊपर निशान बना दे, गलत महसूस हो। एक आया देखा एक जगह निशान कर दिया, दूसरा आया देखा दूसरी जगह निशान कर दिया, चंद दिन में मालूम होता है पूरा पोर्ट्रेट का पोर्ट्रेट या पूरी वो पेंटिंग है कि उन निशानों से भरी हुई है। ये जबरदस्त मुसव्विर ने जब देखा कि ये आलम है, उसे हटाया, वापस दोबारा हूबहू वैसे ही बनाया जैसा पहले था, उसे लगा दिया, लेकिन नीचे बोर्ड ये रखा कि जिसे जो स्ट्रोक पसंद आए उसके ऊपर निशान बना दो। एक आया एक निशान, दूसरा आया दूसरा निशान, अपनी चीज को दुनिया के सामने पेश करना है, इस कॉन्फिडेंस के साथ पेश करना है कि देखो कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, कामयाबी व कामरानी कदम चूमेगी। यह हमारे स्टूडेंट्स को समझाना है कि कॉन्फिडेंस के साथ झिझकते हुए नहीं, घबराते हुए नहीं, दुनिया को यह दावत देते हुए कि हमारी खराबी देखो नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ कि आओ हमारी अच्छाई देखो, इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे आएं, असरी तालीम के अंदर इस तरह आगे बढ़ें कि 82 वाला ये जो अलमिया जो पहले मैंने बयान किया ये अलमिया दूर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको कामयाब रखे। शुक्रिया।